प्रदेश के सीहोर जिले की आष्टा तहसील के सिद्धिगंज में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। सिद्धिगंज में किशोरी को उसके मामा ने 1,25,000 रुपए में बेच दिया। किशोरी की उम्र 15 वर्षीय बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार खरीदने वाले आरोपी ने किशोरी के साथ 15 दिनों तक ज्यादती की। किसी तरह नाबालिग किशोरी आरोपी के चंगुल से बचकर भाग निकली। ग्रामीणों से सूचना मिलने पर पुलिस ने किशोरी का मेडिकल करवाकर मामला दर्ज करवा लिया है। कहाँ रहता है वो? इस्माइल खेड़ी रहता है। आप यहाँ कैसे आई फिर? यहाँ कैसे आई आस्था? सिद्धिगंज कैसे आई फिर? वापस कैसे आई उसके पास से? चुंगल से कैसे छूटी वहाँ से? वहाँ से फिर भिजवा लेके गए। तो वहाँ से फिर वहाँ रुक। बिजवाड़ में क्या तुमसे शादी करने के लिए ले जा रहे थे? नहीं। अच्छा, तुम्हारे साथ कोई गंदी हरकत भी की उन्होंने? किसने की थी? महेंद ने। उसके अलावा कोई नहीं था। अच्छा, कितने में बेचा था तुम्हें? 1,25,000। 1,25,000 में तुम्हें पता था कि उसने बेचा है? उन्हें ही बोला। कब बोला था उन्होंने? दूसरे दिन बोला था और ले गए। दूसरे दिन बोला उन्होंने? 1,25,000। अब तुम क्या चाहती हो? सजा चाहती हो उसको? हाँ। कैसी सजा होना चाहिए? आपके साथ जो हुआ है उसके लिए आप क्या चाहती हैं? सजा होना चाहिए। किन लोगों को? जब उनको थाने लेके आए तो ये पता पड़ा कि एक लड़की उस क्षेत्र की रहने वाली जो उसके मामा के यहाँ साई सिंह के यहाँ गई थी रहने के लिए, उसके मामा ने देवी सिंह के यहाँ भेज दिया था जो मालवीय हैं, और देवी सिंह ने महेंद्र सिंधव को उसको 1,25,000 में बेच दिया था। कहाँ पर बेचा था सर? वो गांव था इस्माइल खेड़ी में भेज दिया था। वहाँ से फिर वो रखे रहा 15-20 दिन, उसने शादी भी कर ली वहीं पर। फिर लड़की को ज़रा तकलीफ हुई तो उसने भिजवाड़ के मंदिर ले गया था। वहाँ पर उसने जाके ये कहा कि अगर तू मुझे जबरदस्ती यहाँ से ले जाएगा तो मैं पुलिस को खबर कर दूँगा। पुलिस उसके सामने कुछ दिखी थी तो लड़का उसको छोड़ के भाग गया। फिर वो कल सिद्धिगंज आई, परसों सिद्धिगंज आई, रात वहाँ रुकी और कल सुबह वहाँ से जा रही थी वो अपने गांव। तब ये लोगों ने उसको जबरदस्ती दोबारा उठा के गाड़ी में ले जा रहे थे, जहाँ दौड़ा कर लोगों ने उसको पकड़ के पुलिस को दिया। सीहोर से विनेश चौहान की रिपोर्ट। 2 साल बाद लोक अदालत में जुड़े टूटे दिल। पति की शराब की लत से परेशान होकर छोड़ा था घर। न्यायालय की मध्यस्थता से सुलझे पुराने प्रकरण। जिले में अलग अलग स्थानों पर हुआ आयोजन। खरगोन जिला मुख्यालय पर मेघा लोक अदालत का आयोजन हुआ। लोक अदालत में विभिन्न विभागों के प्रकरणों के निपटारे हुए। लोक अदालत ने ऐसे मामले भी सुलझाए जिसमें दंपतियों के बीच चल रहे विवाद का न केवल निपटारा किया बल्कि उनके बीच दूरियां कम करने के लिए एक दूसरे को माला पहनवाई और गिले शिकवे दूर करवाए। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सुभाष सोलंकी की अदालत में 2 वर्षों से छोटे छोटे बच्चों के साथ पति से दूर रही महिलाओं को पति का साथ मिला, साथ ही उनके बच्चों को भी उनका हक मिला। अभिभाषक एसके छाबड़ा एसके शेख ने बताया कि शहर निवासी राखी का विवाह विकास करोले से हुआ था। राखी ने 2 वर्ष पहले पति की शराब की लत से मनमुटाव होने के कारण घर छोड़ दिया था। लोक अदालत में विकास ने शराब न पीने का वादा कर बच्चों को अच्छी शिक्षा और परवरिश देने का निर्णय लिया है, जिसके बाद राखी ने राजीनामा कर लिया और दोनों साथ हो गए। खरगोन से नौशाद खान की रिपोर्ट। सोमवार की शाम को शिवनी मालवा उपजेल में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। जेलर गिरजा शंकर दुबे ने बताया कि सांप दिखने के बाद सांप पकड़ने के लिए कल्लू लोधी को बुलाया गया, जिसके बाद सांप को पकड़ लिया गया और उसे दूर छुड़वा दिया गया। जेल के प्रधान आरक्षक जगदीश पाल, प्रहरी ईश्वर और महेंद्र की सतर्कता के समय से सांप पर काबू पा लिया गया। माना जा रहा है कि गर्मी के चलते सांप जेल के अंदर आ गया था। सांप के दिखने से जेल में लंबे समय तक हड़कंप मच गया। तरह से सांप निकला था और किस तरीके से फिर उससे बाहर किया? आज सायंकाल लगभग 6 बजे करीब मुख्य प्रहरी जगदीश पाल जो गार्ड इंचार्ज थे, उन्होंने देखा कि सांप बाल गार्ड के इधर एक सांप दिख रहा है, तो तत्काल हमने कहा तुम वहां पर निगरानी रखो और यहाँ के स्थानीय कल्लू सपेरे जो सांप पकड़ने का काम करते हैं उनको फोन लगाया गया और वो तत्काल आए और जेल के अंदर से सांप को बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया। सांप लगभग 7-7.5 फीट का होगा और
सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जो मुख्य प्रहरी जगदीश पाल द्वारा जो सतर्कता बरती गई वो काफी सराहनीय कार्य किया गया उनके द्वारा। सिवनी मालवा से शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के सुंदरसी टप्पा कार्यालय में अस्थाई बाबू का काम करने वाले ग्राम कोटवार को लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। लोकायुक्त अधिकारी की जानकारी के अनुसार सकराई निवासी शाकिर शाह के भाई रुस्तम खान के खिलाफ धारा 151 में प्रकरण दर्ज है। इस प्रकरण का खात्मा करवाने के लिए शाकिर ने टप्पा कार्यालय में आवेदन दिया था, लेकिन कई दिन तक काम नहीं होने पर वह कोटवार ओम प्रकाश अंगोरिया के पास गया तो उसने 3,000 रुपये की मांग की। लोकायुक्त टीम को शिकायत करने पर टीम ने मौके पर पहुंचकर रिश्वत के 3,000 रुपयों के साथ कोटवार को पकड़ लिया। रुपए निकालकर पेंट धोने पर पानी का रंग गुलाबी हो गया। पेंट जब्त हो जाने के बाद ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर उसे 50,000 रुपये के मुचलके पर छोड़ दिया गया। शुजालपुर से अविनाश चौरसिया की रिपोर्ट। शाजापुर में बियर से भरा एक ट्रक पलटा। इंदौर से ग्वालियर की ओर जा रहा ट्रक शाजापुर के ट्रैफिक पॉइंट पर हादसे का शिकार हो गया। बताया जाता है कि उक्त ट्रक की रफ्तार ज्यादा थी और अचानक सामने से एक और ट्रक आने से बियर से भरे ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लगाए और उक्त ट्रक का टायर फट गया, जिससे यह हादसा हुआ। हालांकि इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन एबी रोड पर बियर की बोतलों का ढेर लग गया है। जैसे ही बियर की ट्रक पलटने की खबर पुलिस को लगी तो एबी रोड पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया ताकि घटनास्थल पर लूटपाट ना हो सके। पुलिस ने एक क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को खड़ा किया और हाईवे पर पड़ी बियर की बोतलों को दूसरे वाहन में लोड करवाया। गनीमत तो ये रही कि हादसा अलसुबह हुआ। यदि थोड़ी देर बाद यह हादसा होता तो कोई बड़ी जनहानि भी हो सकती थी, क्योंकि जिस स्थान पर बियर से बड़ा ट्रक पलटा वहां शाजापुर जिला मुख्यालय का सबसे व्यस्तम चौराहा माना जाता है। यहीं से सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चे निकलते हैं और अन्य गंतव्य की ओर से जाने वाले वाहन भी इसी चौराहे को पार कर गुजरते हैं। इंदौर से कहां जा रहे थे? बियर वगैरह था ग्वालियर के लिए। ग्वालियर के लिए कैसे क्या एक्सीडेंट हो गया? मेरे सामने आइचर आ गई, मेरी गाड़ी का टायर पड़ गया। मैंने गाड़ी कंट्रोल कर ली, गाड़ी रम कर दी, गाड़ी फिसल गई, कंट्रोल पलट गई। अगर मैं गाड़ी अपनी नहीं पलटा था तो आइजर वाला मर जाता और मैं मर जाता, इसलिए मेरे को अपनी गाड़ी पलटाना पड़ी। इंदौर से भर के कहाँ जा रहे थे? ग्वालियर जा रहा था सर, बहुत देर आ गई। सुजालपुर से सोनू गवली की रिपोर्ट। बेटी के ससुराल पक्ष में हुए आशीर्वाद समारोह से लौट रहा एक परिवार कसरावद रोड पर सड़क हादसे का शिकार हो गया। इसमें एक की मौत जबकि 8 लोग घायल हो गए। सभी टादा बरूड निवासी होकर आपस में रिश्तेदार हैं। हादसा मेन गांव थाना क्षेत्र में हुआ। मिली जानकारी के अनुसार टांडा बड़ू निवासी भगवान रामकिशन कुमरावत की बेटी का विवाह 2 दिन पहले धार जिले में अमझेरा में हुआ था। शनिवार तड़के VO6 मिली जानकारी के अनुसार टांडा बरूड निवासी भगवान रामकिशन कुमरावत की बेटी का विवाह 2 दिन पहले धार जिले के अमझेरा में हुआ था। शनिवार लड़के पक्ष के यहाँ आशीर्वाद समारोह था, जिसमें टांडा बरूड से भगवान कुमरावत अपने रिश्तेदारों के साथ तूफान वाहन में सवार होकर अमझेरा गए थे। रात्रि में ही वापस लौटते समय शनिवार रविवार के दरमियान रात करीब 3 बजे पिकअप वाहन से एक ही दिशा में चलते हुए टक्कर हो गई। पिकअप वाहन में आरकुट लकड़ी के पटिए भरे हुए थे। दोनों वाहन टकरा कर रोड किनारे बने गड्ढों में जा घुसे। तूफान में बैठे यात्रियों अनुसार गेट का लॉक लगने से वे और घबरा गए थे। उन्हें राहगीरों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खरगोन से नौशाद खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में एक युवक ने दोस्ती को कलंकित कर दिया है। दोस्त के साथ विश्वासघात करते हुए घर से बुलाकर उसे मार डाला। दोस्ती को कलंकित करने वाली यह घटना थाना सदर मोहल्ला मुलाखेल निवासी सोहेल पुत्र शहीद के साथ हुई है। दोस्त ने सोहेल को घर बुलाकर मौत के घाट उतार दिया। मामला कुछ इस तरह है कि सोहेल का एक दोस्त उसे घर से बुलाकर ले गया और अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर लोहे की राड से बुरी तरह मारा। सोहेल बुरी तरह से घायल हो गया और परिजनों ने हमलावरों के खिलाफ थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इलाज के दौरान सोहेल की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग का था, जिसके कारण सोहेल को अपनी जान गंवानी पड़ी। परिजनों ने थाना सदर में हंगामा किया और दबंगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। शाजापुर से बबलू खान के साथ कैमरामैन शाहना की रिपोर्ट। अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह से ही होशंगाबाद क्षेत्र में भीषण गर्मी कहर बरपा रही है। इस भीषण गर्मी से लोग भगवान भी बेचैन हो गए हैं।
भगवान को आराम दिए जाने और उनकी बेचैनी को कम करने के लिए भगवान के भक्त मंदिरों में एसी, वाटर कूलर और पंखों की मदद से भगवान को इस गर्मी से निजात दिलाने की कोशिश करें। होशंगाबाद में एक नहीं बल्कि अनेकों मंदिर में भगवान को इसी प्रकार ठंडक पहुंचाई जा रही है। VO8 नर्मदा किनारे होने से होशंगाबाद धार्मिक नगरी है और यहाँ अनेक प्रख्यात मंदिर है जहाँ दूर दूर से भक्त भगवान के दर्शन करने आते हैं। इन दिनों भीषण गर्मी से भगवान को बचाए जाने के लिए भक्त एसी, वाटर कूलर और पंखों की मदद ले रहे हैं। यही नहीं, भगवान को बड़ी गर्मी में लस्सी और फलों के जूस का भोग लगाया जा रहा है। भक्तों का मानना है कि इंसान, पशु पक्षी, प्रकृति पर गर्मी का प्रभाव पड़ता है तो भगवान भी गर्मी से बेचैन होते हैं, इसलिए उन्हें आराम दिए जाने के लिए एसी, वाटर कूलर और पंखों का उपयोग दिन रात लिया जा रहा है। कुछ मंदिरों में केवल पंखे ही लगे हुए थे पर इस वर्ष की गर्मी को देखते हुए मंदिरों में एसी व वाटर कूलर भी लगवा लिए गए हैं। भगवान के साथ ही मंदिर प्रबंधन द्वारा मंदिर में आने वाले भक्तों की सुविधा को देखते हुए उनके लिए भी कूलर, पंखे, ठंडे पानी और मशीन की और छांव का प्रबंध भी किया गया है। यहाँ हनुमान दद्दा जी की कृपा है, कूलर, पंखा, सभी प्रकार की व्यवस्था है ताकि दद्दा जी को भी गर्मी न लगे और जो भक्त जन रहते हैं उनको भी कोई असुविधा नहीं जाती है। बढ़िया पाठ करते हैं, आराम से गर्मी भी नहीं लगती, कूलर रहता है, सब सारी व्यवस्थाएं यहाँ पंडित जी के द्वारा, भगवान प्रभु के द्वारा यहाँ पूरी व्यवस्थाएं हैं। होशंगाबाद से शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट।